बादीगढ़ चौराहे पर अनियंत्रित कार ने तीन को कुचला, एक की हुई दर्दनाक मौत। बस की प्रतीक्षा में बस स्टैंड पर खड़ी तीन सवारियों को एक अनियंत्रित कार ने कुचल दिया, जिसमें से एक महिला की हायर सेंटर ले जाते वक्त मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी दौरान सुआवाला की ओर से तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में जा घुसी। इस हादसे में वहां सवारी के इंतजार में खड़ी कृष्णा देवी, पत्नी मनोहर सिंह निवासी गोवर्धनपुर नाभका, मुबारक हुसैन पुत्र कमालुद्दीन निवासी कासमपुर गढ़ी और सत्यम पुत्र नवनीत निवासी चतरपुर नायक थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद घायल हो गए। घायलों को स्थानीय पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से CHC अफजलगढ़ में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने कृष्णा देवी को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां शेरकोट के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतका के पति ने बताया कि उसकी पत्नी अपने पुत्र और नाती के साथ भाईपुर एक शोक सभा में जा रही थी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज अनोखे लाल गंगवार के अनुसार शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया है। वहीं रेहड़ पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए जनसंवाद के लिए डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज की यह रिपोर्ट। इधर से जो गाड़ी जा रही थी बस सब कम ना वो ठोकी जब गाड़ी उसमें ठोकी दी थी वो जो घूमी उसके साथ क्या होता तक के साथ क्या होता तक के साथ हुआ है बस यहाँ उसके बम्पर में लच के चली गई जी तो काफ़ी दूर हो गई गई मिट्टी हो गई। हाँ मिट्टी हो गई।